आपने अभी अभी न्यूज़ के अंदर देखा होगा कि टिकटॉक, पबजी, यूसी ब्राउज़र से लेकर के जूम तक के सभी चाइनीज ऐप्स को कर दिया है बंद, और हम किन किन पर हैं आत्मनिर्भर अब हो चुके हैं वो बैन, और किस प्रकार से इसका अल्टरनेटिव आप ढूंढ सकते हैं इंडियन ऐप्स के थ्रू, वो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐप्स हैं जो बैन हो चुके हैं। सबसे पहले आता है टिकटॉक, हेलो, शेरिट, बिगो वीडियो, लाइक, ब्यूटी प्लस, कैम स्कैनर, जेंडर, पबजी, क्लैंस ऑफ किंग्स, यूसी ब्राउज़र, यूसी मिनी, यानी कि यूसी ब्राउज़र से लेकर के जो जूम ऐप है उस तक के सभी बैन हो चुके हैं। टिकटॉक के चाहने वाले विराट कोहली और शिल्पा शेट्टी जैसे भी सेलिब्रिटी हैं वो अब टिकटॉक पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। भारत में टिकटॉक के लगभग 20 करोड़ यूज़र्स हैं। दुनिया में लगभग 150 बाज़ारों में 39 भाषाओं के अंदर यह अपनी चमक दमक को बिखेरे हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान पबजी गेम्स काफ़ी खेला गया है। मई के अंदर ऐप में दुनिया भर में 1.7 हज़ार करोड़ रुपए का कारोबार किया गया है। पबजी ने गलवाना घाटी पर भारत और चीन के बीच में हो रही हिंसक झड़प के कारण सोमवार को केंद्र सरकार ने चीन पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की है। सरकार ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को रोकने का फैसला ले लिया है और आज ही से फैसले को लागू भी कर दिया है। टिकटॉक क्या था, इंडिया के अंदर कैसे क्या कार्य करता था, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। टिकटॉक भारत में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे इसका नाम नहीं पता होगा। शॉर्ट वीडियो शेयरिंग ऐप्स है जो टिकटॉक 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर ये आपको वीडियो प्रेफर करता है। टिकटॉक की पेरेंट्स कंपनी वाइट डांस है जिसकी कई ऐप्स भारत के अंदर सक्रिय हैं। टिकटॉक भारत ही नहीं बल्कि 150 बाज़ारों के अंदर 39 भाषाओं के अंदर उपलब्ध हो चुका है। पबजी मोबाइल फ़ोन भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, पर पबजी मोबाइल को जानकर आपको खुशी होगी या नहीं पता नहीं मुझे, पर अभी तक बैन नहीं हुआ है क्योंकि ये पूर्णतः पबजी मोबाइल जो ऐप है वो चाइनीज़ नहीं है बल्कि थोड़ी बहुत उत्तर कोरिया के अंदर इसकी फंडिंग की जाती है। सो यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं। जैसे पबजी मोबाइल एक पॉपुलर बैटल रॉयल गेम है और इसका भारत में सबसे ज़्यादा पसंदीदा गेम है। इसमें 4 लोग टीम बनाकर खेलते हैं, आप सभी को पता है, और 5 करोड़ यूज़र्स एक्टिव हैं। अभी सेंसर टावर रिपोर्ट के मुताबिक मई में पबजी मोबाइल 226 मिलियन यानी कि लगभग 1.7 हज़ार करोड़ रुपए का रेवेन्यू, दुनिया का सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला गेम्स बन चुका है। यूसी ब्राउज़र को 12.59% हिस्सा मिल चुका है। 2017 के अंदर यूसी ब्राउज़र डाटा चोरी के आरोप से बच नहीं पाया और डाटा चोरी का आरोप काफ़ी इसके अंदर लगता है। गूगल प्ले स्टोर ने भी इसे हटा दिया था, पर इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो बार बार चेंज होती रहती हैं जिसके कारण इसे वापस लाना पड़ गया। हेलो ऐप, हेलो ऐप एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जिसमें जून 2018 में चीनी स्टार्टअप कंपनी बाइटडांस ने ही शुरू किया है। ये पेरेंट्स कंपनी है इसकी टिकटॉक की, यानी कि जो बाइटडांस है वही इन सब ऐप्स को लॉन्च कर रही है। इसके अंदर एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, पेंटिंग और अन्य काफ़ी इसके अंदर लिटरेचर मिलते हैं। साथ ही साथ गुजराती, मराठी, हिंदी, तमिल भाषाओं का ये सपोर्ट लेती है। शेयर इट, इसे हर कोई जानता है। 180 करोड़ यूज़र्स हैं, जबकि भारत के अंदर इसकी इंडोनेशिया में 60 करोड़ से ज़्यादा यूज़र्स हैं। कंपनी ने अब शॉर्ट वीडियो मूवी जैसे हाई क्वालिटी कंटेंट भी मुहैया करवाने शुरू कर दिए थे शेरिट के अंदर, अब भारत के अंदर हो चुके हैं बैन। जेंडर के अंदर भी आप देख सकते हैं ब्यूटी प्लस जो ऐप्स है उसको भी भारत के अंदर बैन कर दिया है। कैम स्कैनर के समेत यू वीडियो जो आती है जूम ऐप्स, इस पर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। यह एक कॉन्फ्रेंसिंग ऐप थी जो फ्री वर्जन में 100 लोगों को एक साथ वीडियो कॉलिंग करने का ऑफर देती थी। ऑफिस मीटिंग हो या दूर बैठे दोस्त रिश्तेदार इससे धड़ल्ले से बातचीत करते थे, पर इसमें आए विवाद के कारण हमें साफ साफ नज़र आया डाटा चोरी का इस्तेमाल। यहाँ पर यह कंपनी किसी भी प्रकार के डाटा चोरी को न तो स्वीकार करती है और न ही अपनी टर्म एंड कंडीशन में बताती है। साथ ही साथ ये अपने लगभग जो डाटा चोरी है वो करती रहती है। 90,000 से ज़्यादा स्कूलों में इस ऐप के ज़रिए ही पढ़ाई की जा रही थी। सो अब इंडिया के आगे ये भी एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि जो जूम ऐप है इसका अल्टरनेटिव कहाँ से ढूंढा जाए। अन्य जो चीनी ऐप्स हैं जो भारत के अंदर सक्रिय हैं, वीमेट, बिगो वीडियो, क्लैंस ऑफ किंग्स,
क्लब फैक्ट्री को भी भारत के अंदर 2016 में लॉन्च किया गया था। यह एक होम डेकोरेशन और बैग ब्यूटी समेत कई कैटेगरियों में प्रोडक्ट्स उपलब्ध करवाती थी। साथ ही साथ वी चैट को हम देख लेते हैं। यह चीनी मैसेजिंग और सोशल मीडिया ऐप्स है जो प्ले स्टोर पर दी जाने वाली जानकारी के मन मुताबिक इसके 100 करोड़ यूजर्स हैं। इस वी चैट है इसके कॉलिंग समेत कई ऑप्शंस उपलब्ध होते थे। वी चैट पे डिजिटल पेमेंट की सुविधा भी प्रदान करता था। ट्रबो वीपीएन ये भी एक चाइनीज़ ऐप्स है। ऐप लॉक ये भी एक चाइनीज़ फ्लैश कीबोर्ड ये भी लाइक की नाम बदल करके लाइक की लाइक कहते हैं उसे। क्लीन मास्टर और अन्य ऐसी ही ऐप्स को भारत के अंदर जो 59 है उसको बैन कर दिया है। अभी तक मैं बता देना चाहूँगा आपको, आपके जो पबजी मोबाइल ऐप है वो अभी तक बैन नहीं हुई है। सो गाइस, मैं एक बार देशभक्ति के नाते आपको कहना चाहूँगा, आप पबजी मोबाइल खेल रहे हैं तो खेलिए, मैं आपको मना नहीं करना चाहूँगा, पर आप उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसे परचेज मत कीजिए, ताकि भारत का जो पैसा है वो चाइना के पास न जाए और चाइना इतना ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री न बन करके पूरी तरह से विकासशील इंडिया को चूस चुका है और विकसित हो चुका है। चाइना अब लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है जो अब अमेरिका के टक्कर में भी आ सकती है। ऐसे मतलब कि इसकी जड़ चारों तरफ फैली हुई थी। मैं हूँ आशीष, आप देख पा रहे हैं आशीरोक्स यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अपने जितने भी मोबाइल के अंदर हैं इन ऐप्स को अनइंस्टॉल कीजिएगा।